स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैट के बारे में। पिछली क्लास में हमने फैट के बारे में ही डिस्कस किया था और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लंबा है, इस वजह से हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं फैट जो कि जम जाते हैं, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जम जाएंगे, और ये अनसैचुरेटेड जो है जमेंगे नहीं। सैचुरेटेड जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, वहीं पर अनसैचुरेटेड जो है हार्ट पेशेंट मोटे लोगों के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये जमते नहीं है, वसा जमा नहीं होगी तो फैट इकट्ठा नहीं होगा और हम मोटापे के शिकार नहीं होंगे। इस वजह से सैचुरेटेड वसा जो है अच्छी मानी जाती है। और सैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स जो है हम देख लेते हैं। सैचुरेटेड के जो एग्जाम्पल है, मक्खन, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, मक्खन। मक्खन के अंदर जो अजीब सी महक आती है वो आती है ब्यूटेरिक एसिड की वजह से, साथ ही कैप्रोइक एसिड। तो मक्खन में जो अलग सी गंध आती है वो आती है ब्यूटेरिक और कैप्रोइक एसिड की वजह से। ताड़ का तेल जो है ये भी जम जाता है। ताड़ का तेल जो है इसमें लॉरिक एसिड और इसमें जो है आपका नारियल के तेल में कैप्रोइक एसिड होता है। तो ये सारे ही जो एग्जांपल है ये आपके सैचुरेटेड वसा के एग्जांपल है। सैचुरेटेड वसा, ये सारे टर्म्स जो है आपके नेट में पूछी जाती है ज्यादातर, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मक्खन में अजी अलग सी गंध किस वजह से आती है, ब्यूटेरिक और कैप्रोइक की वजह से, ताड़ के तेल में क्या चीज पाई जाती है, कौन सा एसिड है। तो ये सारी चीजें जो है आपके नेट में पूछी जा सकती है, तो आपको इसे अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। सैचुरेटेड फैट ये आपका दो तरह का होता है, मूफा MUFA, मूफा और PUFA। तो M का मतलब हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का मतलब हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दो तरह के आपके हो जाएंगे, कौन कौन से, मूफा और पूफा। मूफा यानी मोनोसैक्राइड जो कि एक अणु से बनेगा, पूफा यानी पॉलीसैक्राइड जो कि कई सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। अब बात कर लेते हैं मूफा के टाइप्स के बारे में। तो आपका मूफा जो है ये होता है तीन तरह का। पहला आपका है पाल्मिटेटिक एसिड, दूसरा है ऑलिक। ये आपको टाइप्स जो है इनके नाम अच्छे से रिवाइज करने जरूरी है, क्योंकि ये आपके नेट में पूछे जाते हैं, कई बार आपके पीजीटी पीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड, और कई बार इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये वानस्पतिक है या ये प्राणिज है। तो ये जो है आपका पाल्मिटेटिक जो है ये आपका प्राणिज है, जो ऑलिक है वो आपका ऑलिव एसिड, ऑलिव का तेल होता है उससे बना हुआ होता है, और ये जो है अलसी
अलसी के तेल से। अब बात कर लेते हैं फूफा के बारे में। फूफा दो तरह का होगा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा लेते हैं फूफा के बारे में, पॉलीसेक्राइड जो है इसमें आपके दो टाइप हो जाएंगे, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है इसमें आपका लिनोलिनिक आ जाएगा, इकोसॉप्नेटाइनिक होगा और डायनोसक्सीनोइक होगा। और आपका जो ओमेगा 6 है इसमें आपका लिनोलिनिक, लिनोलिनिक और आर्किडोनिक, ये 3 चीजें आ जाएंगी। और ये दोनों जो एसिड है हमारी स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। ये क्या है? त्वचा के लिए अच्छे रहते हैं ये दोनों ही एसिड। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, लिनोलिनिक और लिनोलेनिक ये दोनों ही एसिड हमारी त्वचा के लिए अच्छे हैं, त्वचा के लिए। और ये जो आर्किडोनिक है ये वानस्पतिक होता है एसिड। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। है एसिडिटी और वसा को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें कई सारे इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कर लेते हैं एसिडिटी के बारे में, ये अलग अलग टर्म्स हैं जो स्पेशली नेट में पूछे जाते हैं। ये बात करते हैं एसिडिटी के बारे में, ये क्या होता है? जब हम तेल को बार बार गर्म करने पर, तेल को जब बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें उसमें अल्कोहल उत्पन्न होगा। अल्कोहल के जो अणु हैं वो उत्पन्न होंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। तो ये एसिडिटी क्या होता है? जब तेल को हम बार बार गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल के अणु उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं माने जाते। एक्रिलिक की क्या होता है? जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो एक अलग सी गंध उत्पन्न होती है। कई बार आपने देखा होगा जब भी हम एक दो बोलते हैं रिफाइंड ऑयल के बारे में, रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इसे बनाया कैसे जाता है? भूसी जो होती है, भूसी पर प्रक्रिया करके, कई बार इसबगोल की भूसी होती है उस पर प्रक्रिया करवा के और ये तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपकी प्लास्टिसिटी। आपने कई बार केक बनाया होगा या पेस्ट्री वगैरह बनाई होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जो टीन का पैन होता है, उस टीन का जो बर्तन होता है उसमें घी या तेल या फिर मक्खन लगाते हैं। उसे लगाने के बाद फिर हम वो केक का बैटर उसमें डालते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि वो जो मिक्सचर है उसमें चिपके नहीं। ये प्लास्टिसिटी की जो प्रक्रिया है वो यही होती है, जो आपका टीन का बर्तन है उस पर आप प्रक्रिया करवा रहे हैं, बटर से प्रक्रिया, मतलब आप बटर लगा रहे हैं, घी लगा रहे हैं, तो वो चिपकेगा नहीं, इसी वजह से हम प्लास्टिसिटी करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है हाइड्रोजेनिक अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, उसे जब हम सैचुरेटेड फैट बनाते हैं, अनसैचुरेटेड को जब हम सैचुरेटेड बनाते हैं, मतलब जैसा कि आप जानते हैं डालडा जो है वनस्पति से बना हुआ है, फिर भी वो जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि उस पर हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करवाई जाती है। जो आपका तेल होता है इसके ऊपर हाइड्रोजनीकरण करने की वजह से वो जम जाता है। मतलब ये था तो अनसैचुरेटेड, हमने इसे सैचुरेटेड बना दिया, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और ये जो टर्म्स इस तरह की हैं ये स्पेशली नेट में पूछी जाती है, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग का मतलब होता है मोयन लगाना। मोयन यानी जैसे कि हम मठरी वगैरह बना रहे हैं, आप पूड़ी वगैरह जो मोयन वाली पूड़ी बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा घी या तेल लगाते हैं ताकि वो सॉफ्ट बनी रहे, एकदम बढ़िया अच्छी खस्ता बन के तैयार हो। कचौड़ी वगैरह होती है उसमें भी हम मोयन डालते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? शॉर्टनिंग। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है आपके जब हम
पानी प्लस फैट इन दोनों को मिलाकर तेजी से घुमाते हैं तो ऊपर क्या आ जाते हैं, फैट के कण आ जाते हैं, वो आपका इमल्सिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम छाछ बनाते हैं या दूध को भी हम थोड़ा सा चलाते हैं मिक्सी में तो ऊपर आप देखेंगे फैट के जो कण है ऊपर आ जाएंगे, वो ही आपका इमल्सिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं ट्रांसफैट के बारे में। ट्रांसफैट का मतलब होता है, ये जब ट्रांसफैट बनाया गया था तब तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये क्या करता है आपके जो जो भी आपने तली हुई चीज़ें बनाई है, कोई भी पैकेट फूड है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से चीज़ें जो है महीनों महीनों ख़राब नहीं होती। जैसे कि अगर आप चिप्स वगैरह घर में बना रहे हैं और 10-15 दिन बाद आप उसको खा के देखेंगे तो उसका टेस्ट जो है अलग हो जाएगा, वहीं पर चिप्स के पैकेट जो है कई महीनों पुराने होते हैं फिर भी उनमें टेस्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता, ये रीज़न होता है ट्रांसफैट के कारण। लेकिन अब जो ट्रांसफैट है इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये अब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और इसी वजह से अब इस बीच में जो गवर्नमेंट थी इस पर बैन लगा दिया गया था, अब दोबारा से इसे शुरू किया गया है, लेकिन ये इसका यूज़ करना अच्छा नहीं होता और ये जो है कैंसर का कारण बनता है, कैंसर का कारण। स्पॉलिफिकेशन का मतलब फैट पर जब हम प्रक्रिया करवाते हैं, जब हम फैट पर प्रक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्कलाइन के कण बनते हैं, अल्कलाइन। जब हम फैट पर प्रक्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं, फैट पर प्रक्रिया करवाने के बाद अल्कलाइन के कण बन जाते हैं और यही क्या होता है स्पॉलिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं और अल्कलाइन होता है और इसकी वजह से जो है विटामिन ई का निर्माण होता है, विटामिन ई का निर्माण किस वजह से होता है, आपका स्पॉलिफिकेशन की वजह से। स्मोकिंग पॉइंट के बारे में, स्मोकिंग जब हम तेल को गर्म करने पर क्या होता है, बहुत तेज जो है धुआं निकलता है उसमें से। आपने कई बार देखा होगा जब तेल हम रख के भूल जाते हैं कई बार तो उसमें से बहुत तेज धुआं निकल रहा होता है, वो होता ही इस वजह से है क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट जो है मतलब स्मोकिंग पॉइंट तक वो जो है इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, इस वजह से ये होता है। और ये जो कई बार आपने देखा होगा धुआं जो है कम भी हो जाता है, रीजन क्या होता है, या तो हम अगर इसमें अंड के कण डल गए हैं, अन्न के कण डल गए हैं, या फिर आपका नमक है, नमक के कण डल गए हैं, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है कई बार इसमें स्मोकिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि हमने कार्बोज में भी पढ़ा था, प्रोटीन में भी पढ़ा था, तो फैट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो आपका आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, वैल्यू टेस्ट में होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बताने के लिए। नेक्स्ट आपका फ्री फैटी एसिड की मात्रा बताने का, तो आयोडीन टेस्ट जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बताने के लिए किया जाता है, वहीं पर आपका जो एसिड वैल्यू टेस्ट है वो फ्री फैटी एसिड की मात्रा बताने के लिए इसलिए होता जाता है, कई बार हुआ है। तो ये है फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइपेज एंजाइम। फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइपेज एंजाइम, माइकोन्स। वैसे हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो एक बार आपको फिर से बता दूं, जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो फैट के कण होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, काइनोमाइकोन्स। फैट के कण जो है वो आपके काइनोमाइकोन्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, जब हमारा कार्बोज है, प्रोटीन है,
वैसा शरीर में जो स्टोर्ड ऊर्जा है वो भी खत्म हो जाती है, तो फिर हमारे शरीर के जो ब्लड है उसमें ये जो फैट के कण होते हैं ये हमें ऊर्जा देने का। आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा इससे बेनिफिट उठाया होगा और आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे विटामिन्स के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस रहेंगी क्योंकि विटामिन जो है इसकी सिर्फ एक फैमिली नहीं, विटामिन बी जो है इसी की कई सारी फैमिली है। विटामिन बी वन है, टू है, थ्री है, विटामिन बी वन टू है, फोर है, फाइव है, तो कई सारे विटामिन्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा विटामिन ए पढ़ना है, सी है, डी है, अलग अलग तरह के विटामिन्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।